आपको बता दूं कि जो भैया हमारे बगल में लाल टोपी लगाए खड़े हैं, इनको लखनऊ का डायल 100 कहा जाता है। क्या मुंह से क्या निकला? अखिलेश दास की निकला था। अखिलेश दास, आपकी बार यूपी में मुख्यमंत्री अखिलेश दास बनेंगे। बाबा जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया, यहाँ पर देख लीजिए। आपकी बार यूपी में किसकी सरकार? यही सरकार आई है, यही मतलब योगी जी। साइकिल चलेगी जरूर पक्की। योगी जी क्यों नहीं ला रहे हो? हाँ, काहे नहीं ला रहे? नहीं नहीं, राशन वासन नहीं, नहीं नहीं, हम कोई राशन वासन नहीं, हमारी साइकिल चलेगी पक्का। साइकिल? आप तो रिक्शा चला रहे हो, ठलिया है। चलेगी और साइकिल भी चलेगी। अच्छा सर, आपसे जान लेते हैं, अखिलेश जी ये आपका नाम है या सरकार बना रहे? सरकार बनेगी। अच्छा, योगी जी वाला यहाँ पर कोई है? पता नहीं, पीछे पूछ लीजिए, कोई होगा सर। पूछ लेते हैं भैया। भैया बताइए, हम लोग के तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, यू कहा नाम ले लियो। मुझे एक चीज बताओ ईमानदारी से, देखो यहाँ पर जो है सब योगी वाले हैं, आपको जो बोलना है तो अपनी बात बोलो। आपकी बात किसकी सरकार? यहाँ से अगले जाए अखिलेश की। लोगों ने प्यार से बुलाने का एक बढ़िया नाम दिया है डायल 100। सर, जो लोगों की मदद करे रात हो या दिन हो, जो अपने माता पिता भाई बहन बच्चों को छोड़ के जो त्याग करे, उस त्याग का परिचय है डायल 100। आपको बता दूं कि जो भैया हमारे बगल में लाल टोपी लगाए खड़े हैं, इनको लखनऊ का डायल 100 कहा जाता है। वो किस लिए? क्योंकि किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत होती है तो इनको इनके पास तार से फोन कर दिया जाता है। लेकिन डायल 100 को भी सर 112 में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली के ग्रेटर है और लखनऊ के ग्रेटर, उन्होंने पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है डायल 100, अधोक्ताओं के डायल 100। उसका विमोचन माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया और जन्मदिन के शुभ अवसर पर किया। क्या बात है, मतलब इस गरीब किसान मजदूर के बेटे को वो पुस्तक लिखी गई। जी जी। हमारा 28 साल का संघर्ष है, इतिहास ईमानदारी से भरा हुआ है। चाहे वो छात्र जीवन हो, चाहे अधिकतर समाज हो, चाहे समाज हो, मैंने 24 घंटा जी लोगों के लिए जिया है और लोगों के लिए जी रहा हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। जी 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 जी। लोगों ने प्यार से बुलाने का एक बढ़िया नाम दिया है डायल 100। सर, जो लोगों की मदद करे रात हो या दिन हो, हाँ, जो अपने माता पिता भाई बहन बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों को छोड़ के जो त्याग करे, हाँ, उस त्याग का परिचय है डायल 100। ए रिक्शे वाले भैया, ए रिक्शे वाले भैया, रिक्शे वाले भैया, लुक बड़ा अच्छा है आपका। सही में तो मुझे मिथुन चक्रवर्ती दिखाई दे रहा है आप में। नाम क्या है आपका? कल्लू माली नाम है। कल्लू माली, गजब का नाम भी है, गजब का लुक है। कल्लू भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैलानी के रहने वाले हैं। मैलानी के रहने वाले? मुझे एक चीज बताओ ईमानदारी से, देखो यहाँ पर जो है सब योगी वाले हैं, आपको जो बोलना है तो अपनी बात बोलो। आपकी बात किसकी सरकार? यहाँ से अगले जाए अखिलेश की। अखिलेश दास के बने गड़बड़ है। अब हमारी मौसे जो निकल गया, मैं तो बाबा मुरीदी ही हूँ सरकार के, मजार के। अच्छा, बाबा हैं आप भी? हाँ। अच्छा, बाबा भविष्यवाणी करिए आप जी, आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? अब जो मेरे मौसे, आप इतना दोबारा नहीं बता सकते, जो मेरे मौसे निकल गया वो। क्या मुँह से क्या निकला? अखिलेश दास की निकला था। अखिलेश दास, आपकी बार यूपी में मुख्यमंत्री अखिलेश दास बनेंगे। बाबा जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया, यहाँ पर देख लीजिए। बाबा जी आप हमको ना, हम किसी लेना ना, हम तो रोटी दाल रिक्शा चला रहा चला। पैसे से क्या है आप, क्या करते हैं? वकील, वकालत करते हैं, पैसे से वकील हैं हम। पैसे से वकील हैं। और पसंद आपकी बार? इस बार अखिलेश भैया की सरकार आएगी। भैया की सरकार आएगी? हाँ, भैया के। भैया भैया के पास आते हैं। भैया आप क्या कहते हैं? भैया अखिलेश जी के साथ। आप भी वकील हैं? जी जी। मतलब कि वकीलों का भी मन बदल गया। भैया आप क्या कहते हैं? जी, माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, योगी जी वाला यहाँ पर कोई है? पता नहीं, पीछे पूछ लीजिए, कोई होगा सर। पूछ लेते हैं भैया। भैया बताइए मुझे। नहीं नहीं, अरे टीका विका लगाए हैं, उससे क्या हमारा धर्म है टीका लगाना? हाँ, अच्छी बात है, लेकिन बताते हैं कि हिंदू शान से जी रहा है सरकार में। कौन शान जी रहा है? कोई नहीं जी रहा है शान से। आप भी पैसे से वकील हैं? नहीं नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन है, लेकिन पसंद क्या है आपकी बार 2022 के चुनाव में? अखिलेश यादव। मन बना लिया? मन बना। नाम क्या आपका? कृष्ण कुमार कमलापुरी। कमलापुरी जी। अच्छा, कमलापुरी ये मतलब कि क्या है ये? गुप्ता में। अच्छा, गुप्ता, गुप्ता बोलते हैं। अच्छा सर, आपसे जान लेते हैं। जी अखिलेश जी, ये आपका नाम है या सरकार बना रहे? सरकार बनेगी। नाम क्या आपका? राजू। राजू नाम है। सरकार आप किसकी बना रहे हैं वो छोड़िए, सरकार हमारी बन रही है, गरीबों पिछड़ों की सरकार बनेगी, और किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या नाम है सर आपका? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा, अनिल शर्मा पेशे से सर ये भी वकील है, और तमाम लोग जितने भी लोग, जी जी, आप भी सर पेशे वकील हैं? बिल्कुल। पसंद क्या है आपकी? पसंद है हमारी समाजवादी पार्टी सर। योगी जी, बीजेपी क्यों नहीं पसंद है सर? बीजेपी जो है ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, और गरीबों का हमेशा जो है कल्याण निधि जो देते हैं, हाँ। राशन कार्ड बंद कर दिया, उसका कहते हैं 5-5 किलो दे रहे हैं, ये भिखारी बना रहे हैं जनता को, जनता को पढ़ाई शिक्षा मुक्त नहीं कर रहे हैं। शिक्षा, दवाई, पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, इसकी आवश्यकता है। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए। आप पैसे से हैं क्या? अधिवक्ता। अच्छा, मन पसंद क्या है? अखिलेश यादव। सर, आपकी बार यूपी में किसकी सरकार ला रहे हैं आप? अखिलेश सरकार। पैसे से क्या है आप?
तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। अखिलेश जी क्यों पसंद आ रहे हैं, योगी जी क्यों नहीं? काम दिखता है उनका, काम बोलता है। सही से बताना, मन क्या है आपकी बार? आपकी बार अखिलेश भैया आ रहे हैं 2022 में। अरे योगी भी बोल दो। बिल्कुल नहीं, वो जा रहे हैं योगी बाबा। योगी जी जा रहे हैं? जा रहे हैं बिल्कुल। आप भी वकील है पैसे से? हम अधिवक्ता हैं हम भी। आप लोग किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? अभी हम लोग के तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी। यू कहा नाम ले लियो, झूठ बोलने वाला बाबा। क्या बात कर रहे हैं सर? झूठ बोलने वाला बाबा, 24 घंटा झूठ बोलता बाबा। सर कानपुर चलते हैं, कानपुर मेट्रो बताते हैं, हमारी सरकार ने कानपुर मेट्रो बनवा दिया। सब माने अखिलेश जी की सोच है। तो योगी जी की सोच कहाँ पर है? कुछ नहीं है, पूजा करने की सोच है उनकी, गोरखपुर मंदिर में पूजा करें खाली। लेकिन फिर जनता ने कैसे पसंद किया उनको? जनता ने कहा पसंद किया। खैर आपकी बार 2022 के चुनाव में यूपी में किसकी सरकार होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।